इंडिया खुद को समझती है, आलिया मिलता हमको आलिया। देखो गाइस कितनी फोटोज लेती है यार ये, एक होता है चलना दूसरा होता है दौड़ना, ये उन दोनों के बीच का करती है। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, आई होप आप सारे ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस अभी मॉर्निंग के 12:30 बज रहे हैं और मैंने अभी तक ना कुछ खाया है ना ही कुछ बनाया है, बिकॉज रिया का आज एग्जाम था तो वो मॉर्निंग में ही निकल गई थी, तो उस चक्कर में मैं भी काम में बिजी रही तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कुछ खाना भी है। तो अभी रिया का आने का टाइम हो गया है तो उसके लिए भी कुछ खाने के लिए बनाते हैं, प्लस अपने लिए भी चाय वगैरह बनाते हैं। और वैसे भी आज बाहर जाने का तो कोई सीन था ही नहीं, बिकॉज थोड़ा फीवर था, थोड़ी हेडेक थी, तो मैंने बाहर जाना कैंसिल ही करा था। तो अभी किचन में आ चुके हैं, तो अभी फिलहाल हम बनाते हैं लेमन टी। तो अभी जब तक रिया आती है तब तक मैं थोड़ी स्टडी कर लेती हूँ, प्लस अपनी चाय इंजॉय कर लेती हूँ। एग्जाम कैसा हुआ? सारे रोते हैं, बाहर निकले हम। पेपर कैसा आया था? इजी। और हम बाकी कह गए थे टफ। वाह, तो रिया लेके आई है टमाटर प्याज। अब मैं जल्दी जल्दी ना इसके लिए खाना बनाऊं पहले। क्या बना कितनी जल्दी जल्दी बनाया है, भूख लगी मेरे को। जा चार लेके आ, चम्मच लेके आ, आपको पाप लगेगा। ठीक है, गुड नाइट। तो गाइस ये अभी सोने लगी है, ये कब उठना है? तो गाइस अभी हम उठ चुके हैं, मैं बाहर आ चुकी हूँ, रिया भी उठ गई है, शाम के 6 बज रहे हैं। तो उस टाइम रिया सो गई थी, मेरे को ऑफिस का थोड़ा काम था, मैंने वो कंप्लीट किया। तो अभी हम जाएंगे नीचे शॉप है वहाँ, तो मैं और रिया दूध लेके आएंगे, प्लस थोड़ा और सामान लाना है वो भी लेके आएंगे। और ना हमारे रूम के पीछे से ना बहुत अच्छा व्यू दिखता है धर्मशाला, मतलब बहुत अच्छे से दिखता है। तो चलते हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, पर कहाँ से चले हैं, रिया आए तो सही है ना। रिया कितना टाइम लगेगा? आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, पता है कब से बोल रही है मैं आ रही हूँ। आजा बहन, जल्दी बता कौन सी आदत की बात कर रही है। गाइस रिया को पता क्या आदत लगी है, जब भी ये ना मास्क लगाती है, मास्क लगा के चलती है, तो ये ना अपना मुंह ऐसे करके खुला रखती है। अब मैं आपको ना व्यू दिखाती हूँ यहाँ से धर्मशाला कैसा दिखता है। गाइस जो वो ऊपर लास्ट पहाड़ पे आपको ये वाला मंदिर दिख रहा है ना, दिस वन, हाँ जी, ये है इंद्रनाथ जी का मंदिर। यार बहुत अच्छा मंदिर है, किसी दिन हम वहाँ जाएंगे, पैदल चल के जाना होता है, लेकिन बहुत मस्त मंदिर है। तो चलते हैं, ये देखिए ये सारा व्यू। ये रिया ना इतनी भाग भाग के चलती है, वो देखो कहाँ पहुँच गई है। बहन आराम से। रिया ये क्या आदत लगी है तेरे को भाग भाग के चलने की? ये तो आराम से बिल्कुल इतनी दौड़ा रही है ना गाइस, इतना भाग भाग के चलती है, मतलब एक होता है चलना दूसरा होता है दौड़ना, ये उन दोनों के बीच का करती है, समझ नहीं आता क्या कर रही है। मैं ये बिल्कुल आराम से चलती हूँ, वैसे देखने जब मैं और मोनो चलते हैं तो कैसे चलते, इसीलिए ये हालत है मेरी तेरी नहीं, क्योंकि मेरे से नहीं चला जाता, अपनी बेस की भी लड़नी चाहिए कभी कभी। तो शॉप कितनी दूर है यहाँ से? ये जो हमने माथा टेका ये साईं बाबा जी का मंदिर है, यहाँ बहुत अच्छा है गाइस ये वाला, ये देखो। ओके तो 2 मिनट का रास्ता है, अभी मैं पहुँचती हूँ वहाँ। तो अभी हम आए तो शॉप तक थे, लेकिन रिया बोल रही है कि थोड़ी वॉक कर लेते हैं, तो शॉप का सामान हम बाद में लेंगे, फिलहाल हम अभी वॉक करेंगे यहाँ। और आए दूसरे रास्ते से, जी हाँ दूसरे रास्ते से, वाह रिया के रास्ते, हाँ मेरे को थका रही है, मेरे को पतले करने का इरादा है, नहीं होना, बहुत मदद किया, मामा बोलते हैं वैसे रहना है। ये देखिए गाइस वॉक करते करते हम दूसरी साइड आ चुके हैं, बिल्कुल ही रूम के ऑपोजिट, और यहाँ से ना धर्मशाला का हाफ पोर्शन दिखता है। एक्चुअली पूरा धर्मशाला एक साथ दिखाना ना, आई थिंक सिर्फ इंद्रनाग से एक साथ दिख सकता है, क्योंकि ये सारा जंगल जंगल में है, तो हाइट से देखेंगे तो दिख सकता है, ऐसे देखेंगे तो पूरा देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरा मतलब जितना दिख सकता है कितना अच्छा लग रहा है। और ना जो ये जंगल बीच बीच में दिख रहा है ना, यहाँ बीच बीच में भी घर है, यू नो, है ना, अच्छा यार। और रिया का फोटोशूट चला आई गेस, है ना। आउच, अभी मेरे को बोलेगी दीदी फोटोज क्लिक कर दो, बोलो किसी पर पता नहीं है यार। ये देखो शुरू होगी, मेरे को पता था अगर मैं अभी नहीं बोलती ना, इसने बाद में इस बात पे मेरे साथ लड़ाई कर लेनी थी। तो चलो यहाँ अब हम फोटोज क्लिक करते हैं थोड़ी सी, ठीक है रिया?
पकड़ो सारा। हाँ जी चलो। सो गाइज अभी हमने मैंने मतलब रिया की फोटोज क्लिक कर ली है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब रिया बोल रही है शायद शॉप्स बंद मिले हमें, क्या होगा बट यार बस कर। देखो गाइज कितनी फोटोज लेती है यार ये। अच्छा मैं भी आऊंगा, ऐसे करते देखो मेरे साथ। अच्छा ऐसे ले, अब हम यहाँ से चलते हैं। और व्यू सीरियसली बहुत अच्छा है। मास्क रह गया मेरा इनके लिए, कुछ ताली। अच्छा जी, तो गाइस इनका कहना है कि लड़कियां खुद को समझती हैं। आलिया जैसे बोल रहा है, लड़कियां खुद को समझती हैं। आलिया मिलता अंदर आलिया बजाओ तालियां। अच्छा जी बजाओ तालियां। ठीक है एक बार अपने दोस्तों की तरह बजाओ तालियां। चलो बाय। ठीक है यूट्यूब पे डालना। हाँ यूट्यूब पे ही डालूंगी। कौन मांग रहा गाइस? देख रहे हो आजकल के बच्चों को? ओह माय गॉड, जो हम उस एज के थे ना, सीरियसली किसी स्ट्रेंजर से बात करने से पहले हम 10 बार सोचते थे। मैं तो सोचती थी यार अब का नहीं पता, लेकिन आजकल के बच्चे तो बात हो। तो रिया अभी शॉप से सामान लेके आई है। भैया कितना दूर है दीदी? 15 मिनट। सीरियसली यार ये मेरे को बहुत दिमाग खिलाई है। लेकिन मैं बच्चे सीरियसली मैं बच्चे बहुत ज्यादा ऑसम। अब यू नो गाइस रिया ने ना उस रास्ते से लेके आई है, मीन्स पूरा कोतवाली बाजार ये घुमा के लाई है। ओ माय गॉड कितना चलाती है ये लड़की। ओए और खुद देखो भाग भाग के जा रही है। ये देखो इसके नखरे गाइस। सो फाइनली अभी हम रूम पहुंचने वाले हैं गाइस। और आपको पता है हम ना पूरा कोतवाली बाजार घूम के आए हैं, रिया ना उस रास्ते से लेके आई है। एक्चुअली ये रूम में बैठ के बोर हो रही थी, एग्जाम भी इसका ठीक हो गया था तो अब उसका निकलने का प्लान था, मेरे को बोला नहीं। और अभी सारा घूम घाम के आए फाइनली रूम पे पहुंचने वाले। ये हमारा रूम है आपको पता ही है। और ये पता है निकल गई, ये पहुंच भी गई होगी, इतनी मतलब इतनी फास्ट फास्ट भागती है ये लड़की। ओ गॉड बैठे चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। वो कौन है, कैसा है, क्यों पूछते हो? हमने बताना तो है नहीं। ऐसे गाइस इसको ना बहुत अच्छा लग रहा था, इसने ना इस पे रील भी बनाई है, आप इसके इंस्टाग्राम पे आई होप आपने देख ली होगी। फिर भी इसको इससे ना मन नहीं भर रहा था तो यहाँ भी बोलना था। तो एनीवे हम रूम पहुंच चुके हैं और इसने बहुत भगाया है, चलो अच्छा है हेल्थ के लिए, है ना। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो तब तक अपने ध्यान रखो, अपने का ध्यान रखो और टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, बाय।